दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के छात्रों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय कन्या या बाल विद्यालय की नई इमारत का शिलान्यास करेंगे। नई इमारत के बनने के से स्कूल के छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी, तो बड़ी सौगात आज मिलने वाली है दिल्ली वासियों को। और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री खुद आज दिल्ली के छात्रों को ये सौगात देने जा रहे हैं। विनोद नगर में राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय की नई इमारत का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और नई इमारत के बनने से देखिए स्कूल के छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार दिल्ली सरकार काम करती रही, और एक बार फिर से देखिए किस तरह से आज ये जो सौगात मिलने जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, आज मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं बच्चों को, छात्रों को। 12 बजे वो एक स्कूल की फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। ये नया स्कूल बनने जा रहा है, और खास बात यह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये स्कूल बनने जा रहा है वो पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र है, जो कि दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। इस दिल्ली के अंदर विनोद नगर ये जगह है जहाँ पर ये स्कूल बनाया जाएगा, और करीबन 1.5-2 साल के अंदर ये पूरी इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। और इस स्कूल का नाम रखा गया है राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय ईस्ट विनोद नगर। ईस्ट विनोद नगर में ही एक हाईवे से कनेक्टेड एक बड़ा स्कूल है जो रीडेवलप मनीष सिसोदिया ने किया था, और एक तरह से शिक्षा क्रांति के सूचक के तौर पर उसे दर्शाया जाता था। वहां पर स्विमिंग पूल भी है, और जो उनका पासिंग परसेंटेज है वो भी बाकी स्कूलों की तुलना में अच्छा खासा है। लिहाजा अब ये नया स्कूल स्थापित किया जा रहा है मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में ये स्कूल बनेगा, तो जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया को याद भी किया जाएगा। और इस फाउंडेशन स्टोन को रखते समय सीएम अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जिन वजहों से जेल में हैं उस पर भी केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर धावा बोल सकते हैं। तो दोपहर 12 बजे इलाके के लोगों को एक बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है, साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को याद करते हुए इस स्कूल का फाउंडेशन स्टोन सीएम अरविंद केजरीवाल रखने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके साथ दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी। बिल्कुल तरुण, और देखिए लगातार आम आदमी पार्टी ये दावा भी करती आई है कि जब से सरकार बनी है तब से शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, और एक बार फिर से अब एक नए स्कूल के खुलने की यहां पर बात कही जा रही है, और इससे एक बड़ी सौगात कह सकते हैं। और दिल्ली सरकार ने जो वादा वो करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं, और वो वादा निभाती हुई नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, पिछले 8 सालों के दौरान अगर हम बजट देखें तो दिल्ली सरकार ने शिक्षा के अंदर बहुत ध्यान केंद्रित किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली सरकार का पिछले 7 कम से कम बजट के दौरान एक मुख्य ध्येय रहा है, और ये गेम चेंजर भी आम आदमी पार्टी के लिए साबित हुआ है और दिल्ली की जनता के लिए भी साबित हुआ है। जो एक परसेप्शन था सरकारी स्कूलों के प्रति 2013 से पहले वो लोगों के अंदर हटा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वल्नरेबल सेक्शन, जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन है, वही सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूरी में जाता है। अब इच्छा शक्ति भी है कि वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े, और नए नए इनिशिएटिव, हैप्पीनेस करिकुलम, बिजनेस क्लस्टर और इनके एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रोग्राम है वो विश्व के अंदर भी ख्याति प्राप्त करते आए हैं, और इसका श्रेय पूरी तरह से मनीष सिसोदिया को दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी से पुरजोर तरीके से प्रचारित भी करती है, तो उस लिहाज से देखें तो सरकार का अभी भी थ्रस्ट एरिया, हालांकि इस बार आधुनिक दिल्ली का नारा दिया गया है, पीडब्ल्यूडी की रोड्स को सजाने संवारने का दावा किया गया है, क्योंकि G20 का एक बड़ा सम्मेलन राजधानी के अंदर भी होना है, उसके मद्देनजर भी अगर देखें फिर भी शिक्षा को प्राथमिकता देने के अंदर गुरेज नहीं किया गया है। 20% से ज्यादा बजट दिल्ली के अंदर इस बार कैलाश गहलोत की तरफ से शिक्षा को दिया गया है, लिहाजा ऐसा नहीं है कि जो काम किया जा चुका है उससे आगे दिल्ली सरकार बढ़ रही है, लेकिन अभी भी प्राथमिकताएं अगर प्रमुख तौर से देखी जाए तो उसमें शिक्षा अभी भी top 3 एजेंडा है जो दिल्ली सरकार अभी भी करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।